हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें से हम 20 प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग कम से कम 15 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है? तो वास्तविक किस दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है? तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाई जाती है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाई जाती है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाई जाती है, ठीक है। अब चार नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है। पांच नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये सब बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारा सिक्स नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है? तो दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। दूरबिंदु क्या होता है हमारा? अनंत। अब हमारा सेवन नंबर प्रश्न है, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आंख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अब हमारा आठ नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो निकट बोले तो अवतल और दूर बोले तो उत्तल। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। अब नौ नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अब हमारा दस नंबर प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण रंग सबसे कम विचलित कौन सा रंग कम सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। अब 12 नंबर प्रश्न है, किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक होता है, तो अधिक पूछे तो अधिक में कौन सा हो जाएगा? लाल रंग, ठीक है। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा गतिशील कण होता है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आप लोग ये सभी प्रश्न को कॉपी या नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब है विद्युत धारा आप लोग को बता दिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, मिस्टेक उसके लिए सॉरी। यहाँ पर समांतर क्रम जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में हमसे लिखा गया है, इसको हम हिंदी नहीं कर पाए, मतलब करते लेकिन थोड़ा क्या हुआ कि छूट गया, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम किस में लिखते हैं? तो समांतर क्रम में लिखते हैं, ठीक है। समांतर क्रम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, जूल वोल्ट के बराबर होता है। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? तो मैंने बताया कि दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस से होता है, ठीक है। अब हमारा 20 नंबर और लास्ट
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जो हमारे मस्तिष्क मतलब दिमाग उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।